आईपीएल की एक और सबसे बड़ी राइवलरी, एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ गौतम गंभीर। जी हाँ, इस बार एलएसजी और वर्सेस आरसीबी नहीं, इस बार केकेआर वर्सेस आरसीबी होने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जो है केकेआर की टीम का हाथ एक बार दोबारा से थाम लिया है और इस बार फिर से हमें जो है विराट वर्सेस गंभीर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बार जो है आरसीबी की टीम को अपना अगला मुकाबला यानी कि इस आईपीएल का तीसरा मुकाबला जीतना है तो उनको तीन बड़े स्पिनर से पार पाना पड़ेगा। वो तीन बड़े स्पिनर कौन से हैं? एक तो है वरुण चक्रवर्ती, दूसरे हैं सुरेश शर्मा और तीसरे हैं सुनील नारायण। अगर इन तीन बड़े स्पिनर से आरसीबी के प्लेयर्स ने पार पा लिया तो इस बार आरसीबी जो है अपने हेड टू हेड में एक और बड़ा नंबर जोड़ सकती है और आईपीएल की अच्छी जो रेस चल रही है आरसीबी के लिए नंबर 5 के पायदान पे है उसमें और आगे जाके बढ़ सकती है और ऊपर जाके स्टैंडिंग्स में बैठ सकती है। तो अब आरसीबी विराट कोहली फैफ डुप्लेसी की टीम के सामने क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं अपने इस अगले मुकाबले के लिए, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। और क्या प्लेइंग 11 आरसीबी की होगी इस तीसरे मुकाबले के लिए, जो कि उनका तीसरा मुकाबला होने वाला है वर्सेस केकेआर, उसकी तरफ एक नजर डाल देंगे क्या प्लेइंग 11 साहब में आरसीबी की टीम उतरने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने क्रिकेटिंग जींस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर करना बिल्कुल भी ना। तो आरसीबी अपना पहला मुकाबला वर्सेस चेन्नई हारी, उसके बाद दूसरा मुकाबला जो है उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट एक थ्रिलर मुकाबला बड़े ही एक थ्रिलिंग अंदाज में जीता, जहां दिनेश कार्तिक ने पहले एक स्कूप का छक्का मारा और उसके बाद सामने डाउन द राउंड एक चौका मार के मैच को खत्म किया, जहां उन्होंने 10 बॉल पर 28 और महिपाल लोमरोर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। उन्होंने 8 बॉल पर जो है 17 रन की पारी खेल के आरसीबी की टीम को पार लगा दिया और अपनी टीम को एक और बार जो है दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिला दिए। अब आरसीबी का टॉप ऑर्डर जो है वो इतना कुछ खास कर नहीं पाया है, क्योंकि विराट कोहली ने पहले मैच में 20 बॉलों में 21 और दूसरे मैच में काफी शानदार एक बड़ी इनिंग 77 से खेली 48 बॉल्स में, लेकिन उसके बावजूद जो है बाकी का टॉप ऑर्डर यानी कि अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात हो, कैमरन ग्रीन की बात हो, रजत पाटीदार की बात हो और साथ में फाफ डुप्लेसी कप्तान की बात हो, ये चारों खिलाड़ियों ने अभी तक निराश ही किया है। फाफ पहले मैच में जो है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स चले तो थे, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ती दिखाई दी है और अब तीसरे मुकाबले में आरसीबी की टीम को दरकार होगी कि अब फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन जिन्हें 17.5 करोड़ रुपए में जो है आरसीबी की अपनी टीम में लेके आई है, अब वो कुछ कमाल दिखाएं और तीसरे मुकाबले में जो है आरसीबी की टीम को थोड़ा जीत की तरफ लेके जाएं और जीत की तरफ लेके जाएंगे तो पॉइंट टेबल में भी उनके जो नंबर हैं थोड़े से ऊपर बढ़ेंगे और वो खुद स्टैंडिंग में थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। तो अब आरसीबी के प्लेइंग 11 के पहले बात करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं और क्या कुछ चेंजेस आरसीबी को करने भी चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मुकाबला है, पहला तो आप बड़े बुरी तरीके से हारे हो अगेंस्ट सीएसके, दूसरे मुकाबले में आपकी बैटिंग ने आपको, खास करके दिनेश कार्तिक ने अगेन पहले मैच में भी उन्होंने रन किए, दूसरे मैच में भी उन्होंने रन किए, लेकिन उनकी बैटिंग को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपना विकेट आउट नहीं हो रहे हैं, थ्रो करते हुए जा रहे हैं, गेंदबाज को विकेट फेंकते हुए जा रहे हैं, आप फेंकते हुए जाएंगे तो आपका मैच भी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो आपके टॉप ऑर्डर जो है वो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, पहले फैफ डुप्लेसी, फिर विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे आपके रजत पाटीदार आएंगे, इसलिए मैच में कैमरन ग्रीन आए थे लेकिन रजत पाटीदार ही नंबर 3 पे आने चाहिए, नंबर 4 पे मैक्सवेल, नंबर 5 पे कैमरन ग्रीन, 6 पे आपके दिनेश कार्तिक, 7 पे आपके अनुज रावत, वो 6-7 पे जो भी है ऊपर नीचे हो सकते हैं अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, उसके बाद नंबर 8 पे जो है आपके मयंक डागर आते हैं, नंबर 9, 10 और 11 पे आपको चाहिए आपके फास्ट बॉलर जो कि इस बार हमें देखने को मिल गए हैं, यश दयाल जो है काफी अच्छा कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म का जो ऑप्शन है काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद सिराज काफी अच्छी फॉर्म में चलते आ रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, 2 विकेट भी निकाले, लेकिन आखिरी जो ऑप्शन है ना इनके पास ओवरसीज का, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलजारी जोसेफ को 2 मैच मिले हैं और दोनों मैचेस में जम के पिटाई हुई उनकी, जिस तरीके से 10 करोड़ रुपए में उनको टीम में लेके आए थे, 8-10 करोड़ रुपए जो उन्हें मिले थे वो उस तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। अलजारी जोसेफ जो कि हम बात करते हैं डिंडा अकेडमी की, वहां से गेंदबाज आते हैं, रन खाते हैं, उमेश यादव वगैरह वैसे ही गेंदबाजी अभी अलजारी जोसेफ भी करते आ रहे हैं, और एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाकी सारी बैटिंग आपकी बॉलिंग ऑलराउंडर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट संभाल रहे हैं, लेकिन आपका वीक पॉइंट जो है वो आपकी तेज गेंदबाजी में अलजारी जोसेफ बन के निकले, क्योंकि लास्ट पंजाब के मैच में जब 19 ओवर तक 156 रन थे, आरसीबी के सभी फैंस को लग रहा था कि 165 तक अगर गाड़ी चली गई तो भी हम जीत जाएंगे, लेकिन अलजारी जोसेफ ने आखिरी के ओवर में 20 रन खाए और जिसके चलते उनका खुद का टोटल जो है 44 रन का चला गया, यानी कि आप 44 रन अगर किसी मैच में देंगे और उसे पिछले मैच में भी आप 35-36 रन देंगे तो ऐसे तो आपका काम चलेगा नहीं। तो आरसीबी की टीम को करना पड़ेगा चेंज, अब चेंज के लिए आपके पास है 2 बड़े ऑप्शन, या तो आप रीस टोपली को लेके आइए जो कि लेफ्ट आर्म में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले साल भी आपके पास थे, या तो आप लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आइए जिनके पास बिल्कुल एक पिन पॉइंट यॉर्कर है जो कि यॉर्कर मार मार के एक दूसरे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा सकते हैं। अब ये चेंज आरसीबी करेगी शायद के लिए फायदा होगा, या फिर वो विल जैक्स को लेके आए और साथ में अपनी टीम में इंडियन विकल्प जो है उसको डालें, यानी कि आकाशदीप सिंह को डालते हैं तो आप विल जैक्स को अपनी टीम में लाके खिला सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा स्पिन भी देंगे और बैटिंग में तो भैया आग ही लगा देंगे। तो ये हुई आरसीबी की प्लेइंग 11। अब केकेआर की तरफ से जो हेड टू हेड है इनका वो आपको जल्दी से बता देते हैं, 32 मैच जो है दोनों टीमों ने अभी तक खेले हैं, जहां 18 मैचों में
केकेआर की टीम को जीत मिली है और 14 मैचों में आरसीबी की टीम को जो है जीत मिली है। तो अब आरसीबी की टीम सोचेगी कि 15 जो है अब इस लीड को करा जाए, जो है 15वें नंबर तक लेके जाया जाए, क्योंकि जो 33वां मुकाबला होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आरसीबी के लिए भी, केकेआर के लिए भी। अब जो टीम जीतती है वो हेड टू हेड में और आगे जाएगी, आरसीबी होगी तो लीड को कवर करना चाहेगी। फिलहाल केकेआर की टीम के सामने अगर आपने इन तीन स्पिनर को संभाल लिया तो आप टीम को संभाल लेंगे, अगर आप नहीं संभाल पाते हैं तो आपकी टीम जो है फिर वो बीच मझधार में फंसती नजर आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आरसीबी किन चेंजेस के साथ में जो है इस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।